hello my dear students in previous lecture we discussed regarding elements compounds and mixtures the classification of matter and various types of matter classification explained two ways physical classification chemical classification and in this lecture we will discuss regarding the सेप्ट सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मोल कंसेप्ट लेटमी आस्क यू वन क्वेश्चन सपोज यू हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर अगर आपके पास एक पानी का ग्लास भरा हुआ है और कोई पूछ है कि इसमें कितने वॉटर मोलिक्यूल है तो आप तुरंत ही बोलेंगे कि क्या यार पागलो जैसी बात कर रहा है इसमें कोई कितने वाटर मोलिक्यूल है कोई गिन सकता है क्या अगर आपको कोई पांच ग्राम दस ग्राम कॉमन सोल्ट दे दे और बोले कि इसमें कितने एन एस सी एल है बता तब तो बोलेंगे कि ये, ये ये क्या बात हुई हाउ इज इट पॉसिबल तो मेरे प्यारे बच्चों माई लिटिल फ्लावर्स ये हम बता सकते हैं ठीक है कैसे आइए देखते हैं तो आपको जैसे पता है कि मार्केट मार्केट में तीन वर्ड बहुत ही फेमस है एक तो है वन डजन मीन्स ट्वेल्व आइटम्स वन स्कोर मीन्स ट्वेंटी आइटम्स स्कोर जनरली यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट पेपर्स वन ग्रोस मीन्स वन फोर्टी फोर आइटम्स इस्पेक्टिव द क्वालिटी ऑफ आइटम जैसे कि आप एक डजन बनाना मार्केट में से परचेज करते हो तो ट्वेल्व बनाना ही आएंगे इर रिस्पेक्टिव शेप एंड साइज अगर छोटे हैं तो भी ट्वेल्व आएंगे बड़े हैं तो भी ट्वेल्व ही आएंगे वन स्कोर मतलब 20 items irrespective the quality of item here numbers are important gross means 144 items okay similarly in chemistry 1 mole is equal to 6.022 multiplied by 10 rest to 23 particles remember magical number is there and this magical number each mole of any compound or atom or molecule or ion jo kuch bhi ho x y z ठीक है आप एटम भी बोल सकते हो एलिमेंट भी बोल सकते हो मोलेक्यूल भी बोल सकते हो कंपाउंड भी बोल सकते हो कोई भी चीज अगर एक मोल है तो इसमें इतने मोलेक्यूल एटम पार्टिकल होंगे ये जो मेजिकल नंबर है केमिस्ट्री का ये वाला इसको बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर है। ये जो नंबर है उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं एवोगेड्रोन नंबर जैसे कि एक दसम मतलब ट्वेल्व आइटम वन स्कोर ट्वेंटी आइटम वन ग्रोस वन फोर्टी फोर आइटम वैसे ही केमिस्ट्री में है वन मोल इज इक्वल टू दिस मच आइटम्स, सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी थ्री इस मेजिकल नंबर को हम बोलते हैं एवोगेड्रोन नंबर इसको डिनोट करते हैं एन एस से तो इसका मतलब यह हुआ द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रो नंबर इज निक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी आगे जाके केमिस्ट्री में यह बहुत यूजफुल है इलेवेंथ स्टैंडर्ड इन इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मोल चाहिए मोलिक्यूल्स चाहिए ठीक है तो एवोगेड्रो नंबर डिनोटेड नोटेड बाई एन ए मोल डिनोटेड बाय स्मोल एन सो लेटेस्ट डिस्कस वॉट इज द रिलेशन बिटवीन मोल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स एन एटोमिक मास और मोलेक्यूलर मास मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं बाद में रिलेशन हम एस्टेब्लिश करेंगे ठीक है जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ते रहना ये वन मोल हाइड्रोजन का मीनिंग होता है इतने हाइड्रोजन और इतने हाइड्रोजन का वेट होता है वन ग्राम ठीक से देख लीजिएगा लास्ट में मैं रिलेशन बताऊंगा वन मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है इतने हाइड्रोजन गैस और इसका वेट अगर हम करेंगे तो उसका होगा टू ग्राम अगर आप वन मोल वाटर लेंगे ये हंड्रेड एंड वन परसेंट सही है प्रैक्टिकली प्रूव्ड क्योंकि आप लैब में एक मोलिक्यूल वाटर का लेके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते एक मोलिक्यूल एक एन का लेके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए हाफ मोल पॉइंट वन पॉइंट फाइव मोल टू मोल लाइक दैट ठीक है तो वन मोल एच टू मतलब इतने मोलिक्यूल्स ऑफ एच टू अगर वेट करेंगे तो एटीन ग्राम अगर आप वन मोल एन लेंगे तो उसमें आएंगे इतने ये एच टू नहीं है ये गलत है ये इसकी जगह पे आप लिख लेना वन मोल एन एच इज नथिंग बट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन एस टू ट्वेंटी थ्री एन एच आप करेक्शन कर लेना ठीक है वन मोल एन एच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन एस टू ट्वेंटी थ्री एन एच यहाँ पर आपको एन एच लिखना है अगर इसका आप वेट करेंगे तो फोर्टी ग्राम कितना होगा फोर्टी ग्राम अगर आप वन मोल कॉपर लेंगे तो इसमें इतने कॉपर आएंगे इसका वेट होगा सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम मैं ये समझता हूं कि अब आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा तो कोई भी एटम हो ये हाइड्रोजन मैंने एटम लिया है कोई भी मोलेक्ल हो ये मोलेक्यूल है कोई भी कंपाउंड हो ये कंपाउंड है कोई एलिमेंट हो अगर इसका आप एक मोल लेते हो तो उसमें वही एलिमेंट वही मोलिक्यूल वही कंपाउंड सेम नंबर आता है और ये नंबर है नंबर इक्वल टू नंबर एन और इसका आप अगर वेट करते हो तो वेट इज इक्वल टू आइदर इट्स एटॉमिक मास और वेट इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास इसका अगर आप वेट कर हाइड्रोजन का वेट क्या है वन ग्राम मतलब कि मोल इज नथिंग बट इक्वल टू एटॉमिक मास मोल इज नथिंग बट इक्वल टू मोलेक्यूलर मास वन मोल इज नथिंग बट इट्स मोलिकुलर मास क्योंकि आपको पता है मोलेक्युलर मास अभी आपने थोड़े दिन पहले इसको कैलकुलेट किया है ठीक है तो ये पांच एग्जाम्पल से मैं अब ये बोल सकता हूं कि किसी भी चीज का अगर आप वन मोल लेते हो तो इसके अंदर मोलिक्यूल चाहे वो एटम हो आयन हो कंपाउंड हो जो भी हो इज इक्वल टू एड्रो नंबर अगर आप इसका वेट करते हो तो वेट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और इट्स अ मास जैसे कि वाटर एक मोल ले लो तो 18 ग्राम वही उसका मोलिकुलर मास है हाइड्रोजन टू ग्राम वही उसका मास है या हाइड्रोजन एक 1 ग्राम वही उसका मास है कॉपर एलिमेंट सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव यूनो वेरी वेल वही उसका मास है अगर वो वन मोल लेते हो तो वही आता है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ का एक मोल ले लो तो आएगा उसका इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर और इसका वेट होगा अगर वो एटम होगा तो एटॉमिक मास एलिमेंट होगा तो भी एलिमेंट का भी हम एटॉमिक मास से गिनते अगर वो ऐसे मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास आएगा ठीक है एक एग्जांपल देख लिए अगर आप एक मोल इफ यू टेक वन मोल ऑक्सीजन तो उसमें ऑक्सीजन आएंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी थ्री

तो वो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ही होगा ये जो मेरे प्यारे बच्चों में आज दिखा रहा हूँ ना आपको समझा रहा हूँ वो सब मैजिकल नंबर केमिस्ट्री में ये वन मोल ले लो तो इतने ही मोलिक्यूल रहेंगे इतने इतना ही वेट होगा और लीटर इतना ही होगा क्योंकि तो गैस को लीटर में जैसे आपके घर जो गैस बोतल आती है सी एन जी एल पी जी तो आप लीटर में फिल करते हो तो ये ऑक्सीजन गैस है कोई भी गैस हो तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेसर अगर वो वन मोल है तो उसका लीटर में वेट होगा लीटर में उसका वॉल्यूम होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर अब सबको मिला के मैं एक यहाँ चार्ट दे रहा हूँ उसको ध्यान से लिखना सीखना ये पहले मैं ये क्वान्टिटी ले रहा हूँ वन मोल वन मोल का मतलब क्या होता है वन मोल मतलब कि दिस नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स और एटम्स सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी थ्री वन मोल मतलब उसका वेट किया जाए तो वेट इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास और अकॉर्डिंग टू मोलेक्लर मास एटम है तो एटॉमिक मास मोलिक्यूल लिया है तो मोलेक्युलर मास अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं वन मोल का रिलेशन यहाँ पे इसके साथ इसके साथ और इसके साथ वन मोल मतलब दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल वेट इज अकॉर्डिंग टू मोलार मास एंड वॉल्यूम इज दिस मच ठीक है अब हम लेंगे एवोगेड्रो नंबर ये लिया हमने एवोगेट्रो नंबर ठीक है तो एवोगेड्रो नंबर का रिलेशन एवोगेड्रो नंबर मतलब कि कोई किसी का भी आप इतने मोलिक्यूल या एटम ले लेते हो, तो उसको बोलते हैं मोल, उसी को बोलते हैं, है, तो वो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर और उसका वेट जो होगा वो वेट अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर मास एक बाकी के तीन के साथ रिलेशन में ठीक है अब देखते हैं कोई भी एटम मोलेक्यूल आप वेट कर लो अकॉर्डिंग टू इट्स मोलेक्यूलर मास ठीक है तो इसका रिलेशन आएगा अगर कोई कंपाउंड वी इफ वी टेक अकॉर्डिंग टू इट्स मोलिकुलर मास तो उसमें जो एटम्स है वो इतने आएंगे अकॉर्डिंग टू एड्रो नंबर उसको हम बोलेंगे वन मोल और अगर वो गैस है गैस है तो ही रिमेंबर अगर सॉलिड है लिक्विड है तो यहां पे नहीं आना अगर वो आपका लिया हुआ मोलिक्यूल गैस है तो उसका वॉल्यूम होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस थ्री ठीक है लास्ट में आते हैं मानो कि कोई गैस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगर वो आप ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर लेते हो इसका मतलब ये हुआ कि वो वन मोल है उस लीटर में इतने नंबर ऑफ उस गैस के मोलिक्यूल हैं और अगर आप इसका वेट करेंगे तो वेट इसका इतना होगा इसका मोलेक्यूलर मास जितना ठीक है दो तीन बार इसको रिलेट करिए अच्छा मैं इसमें एक एग्जाम्पल से चार बार डिस्कस करता हूं यहां पे गैस ले लूंगा मैं चलो पानी सही रहेगा क्योंकि वो आपको याद है अगर चार बार मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ठीक है इफ आई टेक वन मोल ऑफ वाटर कितना इफ आई टेक मोल मोलिक्यूल इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू ट्वेंटी थ्री एंड द मास ऑफ दैट वाटर इज एटीन ग्राम और वाटर लिक्विड है इसलिए यहां पे नहीं आएंगे अगर मैं यहां पे वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि दिस नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर एंड दिस इज़ अ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर गैस के साथ ही ये आएगा एंड और ये कंडीशन ये एनटीपी होना चाहिए वरना नहीं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है दूसरी बार ले अगर मैं वाटर मोलिक्यूल इतने ले लेता हूँ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू मल्टीप्लाइड बाई ट्रेस टू ट्वेंटी थ्री तो वो एक मोल गिने जाएंगे उसका वेट होगा एटीन ग्राम यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो गैस नहीं है अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले, ले लेता हूँ या तो कोई गैस ले लो कार्बन डाइऑक्साइड ले, ले लेता हूँ इतने मोलेक्ल्स तो वो एक मोल उसका वेट होगा फोर्टी फोर ग्राम और इसका वॉल्यूम होगा एट एन टीपी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर अगर मैं एटीन ग्राम वॉटर लेता अगर मैं एटीन ग्राम वॉटर लेता हूं तो इसमें इतने मोलिक्यूल आएंगे वो एक मोल गिना जाएगा यहां पे नहीं आएंगे क्योंकि वो लिक्विड है अगर मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे ये एक मोल गिना जाएगा और इसमें ट्वेंटी लीटर वॉल्यूम होगा ये अकॉर्डिंग ये मास है कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे एटम भी ले सकते हो एलिमेंट भी ले सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक बाकी के तीन के साथ रिलेशन है और ये रिलेशन आप तभी गिन सकते हो जब आप आपका लिया हुआ एग्जाम्पल गैस हो वरना ये, ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा ये तीन के साथ आपको खेलना पड़ेगा ठीक है तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई हैव सम फॉर्मूला सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस तो पहले आपको पता चाहिए प, पता होना चाहिए कि वो कितना आपने लिया है दस ग्राम लिया पंद्रह ग्राम लिया और जो सब्सटेंस है उसका मोलार मास या तो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए एलिमेंट है तो एटॉमिक मास कंपाउंड है तो मोलिकुलर मास यहां पे और यू कैन से द एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड एटॉमिक मास तो फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मोल फाइंड करना है तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस तो ये तीन क्वांटिटी में से आपको दो क्वांटिटी पता पता होनी चाहिए तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको मोल पता है मोलर मास पता है तो आप वेट फाइंड कर सकते हो ठीक है अगर आपको वेट पता है और मोल पता है तो आप मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हो ठीक है तो ये फॉर्मूला एक दिस वन इज द मेन दिस फॉर्म्यूला इज द मेन फॉर्म्यूला बाई सिंप्लीफाइंग दिस वन यू कैन डिराइव द सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इफ यू वॉन्ट टू फाइंड मास ऑफ एनी एटम और मोलेक् तो आप ये फॉर्मूला यूज करो मास वन एटम और वन मोलेक् तो एटॉमिक मास या तो मोलिकुलर मास ले लो एंड डिवाइडेड बाय वो गेट्रो नंबर कर लो तो आपको मिलेगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डजन बनाना उसका वेट जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम है वन डजन बनाना इसका वेट जो है ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ वन बनाना तो आप क्या करेंगे ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेल्व देन ईच बनाना इज ऑफ हंड्रेड ग्राम सेम यहां पे करना है एटॉमिक मास मतलब क्या है एटॉमिक मास मतलब या तो मोलिक्यूलर मास मतलब इतने नंबर ऑफ मोलेक्यूल अगर ये एटॉमिक मास और मोलेक्र मास में इतने मोलेक्यूल का वेट है तो एक मोलेक्यूल का कितना है तो आप ये कर सकते हो सिक्स पॉइंट मैंने यहां समझाया है आप लोगों को कि इतने मोलेक्यूल्स जो है तो इसका वेट होता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास एलिमेंट है तो एटॉमिक मास लेंगे मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लेंगे कंपाउंड है तो भी हम मोलिकुलर मास ही गिनेंगे उसका तो एक एटम का कितना तो ये फॉर्मूला आएगा आइदर एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर तो ये आपका है दूसरा मेन फॉर्मूला पहला मेन फॉर्मूला ये किसी भी कंपाउंड का मोल फाइंड करना है तो उसका वेट पता होना चाहिए कितना आपने लिया है और उसका मास मोलिकुलर मास पता होना चाहिए ठीक है थर्ड फॉर्मूला इफ वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स तो आपको मोल पता होना चाहिए जैसे कि आपको कोई बोले कि मेरे पास फाइव मोल वॉटर है थ्री मोल कॉपर है फोर मोल गोल्ड है

कि आपको पता है एक मोल में इतने मोलेक्यूल है तो आपको जितना मोल दिया गया है उसमें कितने होंगे तो ये मोल मल्टीप्लाइड बाई ये वो गो नंबर है जो भी मोल हो दो मोल हो तीन मोल हो पॉइंट फाइव मोल हो जीरो पॉइंट टू मोल हो देखिए आगे चलते हैं एक एग्जांपल फाइंड द मोल्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन नाइनटी ग्राम वाटर तो ये फॉर्मूला यूज़ करो मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास ठीक है ना बहुत ही इजी है कुछ डिफिकल्ट नहीं है आपको ध्यान से सिर्फ वीडियो देखना है मोल्स इज इक्वल टू वेट कितना दिया मैंने नाइन्टी ग्राम नाइन्टी ग्राम वाटर मोलार मास तो आप जानते ही हो फाइंड करना एटीन ग्राम मोलार मास ऑफ वाटर अगर एटम होता है यहाँ तो हम ऐटमिक मास डालते मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास दो मोल हाइड्रोजन है एटम तो हम उस एटॉमिक मास डालते दो मोल कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक मास डालते ये एक कंपाउंड है स्टो तो मोलार मास डालेंगे यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है ये आ गया पांच मोल अब आपको मोल पता चल गया तो अब देर किस बात की यहाँ पे आ जाओ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स वाटर में मोलिक्यूल्स रहेंगे नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स मोल्स मल्टीप्लाइड बाई ओ गेड्रो नंबर तो मैंने वही किया है देखिए नंबर ऑफ एच टू ओ मोलिक्यूल्स मोल्स मल्टीप्लाइड बाई ओगेड्रो नंबर कितने मोल मिले पाँच एड्रो नंबर ये मेरा फाइनल आंसर हाँ काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो हायर सेकेंडरी में बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जैसे कि जी एग्ज़ाम है और नीट की एग्जाम है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बोर्ड की एग्जाम में आप सिंपल कैलकुलेटर नॉट साइंटिफिक सिंपल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो ठीक है तो मोबाइल में जो कैलकुलेटर आता है उसमें से आप कैलकुलेशन कर सकते अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि फाइंड वेट ऑफ वन मोलक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वन मोल सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ वन मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मीनिंग क्या हुआ इतने सल्फ्यूरिक एसिड इतने सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि वेट इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास 98 ग्राम तो अब आपको यूनिट भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं क्यों ग्राम पर मोल लिखता था कि जो उसका मोलार मास है वही मोल है जो एटम का एटॉमिक मास है वही मोल है तो हम क्या लिखते हैं एच टू एस ओ फोर का मोलार मास नाइनटी एट ग्राम पर मोल एक मोल में नाइनटी एट ग्राम होता है वट इज द मोलार मास ऑफ वाटर एटीन ग्राम पर मोल कॉपर में क्या लिखते हैं वो वन वन टू थर्टी एलिमेंट थर्ट सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल समझ में आ गया आप वो यूनिट वो यूनिट मुझे समझाना था मैंने उस टाइम राउंड किया था कि आप वेट करना मैं आपको बाद में समझाऊंगा ठीक है तो अब तो मुझे पता चल गया कि ये नाइन्टी एट ग्राम जो है इतने मोलिक्यूल्स का है तो एक का क्या होगा ये रहा यहाँ पे इतने मोलिक्यूल्स हैं तो 98 ग्राम वन एच टू एस का कितना होगा तो सीधा मैंने डिवाइड कर दिया ये सिंपल कैलकुलेशन है और मेरे पास एक एच टू एस का मोलिक्यूल का ये वेट आया ठीक है अब आप ये एक का है और इतने का फाइंड करेंगे तो फिर 98 आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है इसके लिए मैंने ये बेसिक आठ क्वेश्चंस दिए ये वीडियो एक बार दो बार देखने के बाद आप इसको सोल्व करिएगा ये आप पूरा मुझे ये पांच पेज जो है वो सबमिट करवाना है लिख के मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए और अपने फेयर नोट में भी लिख लीजिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन ऑफ वन टू तो थर्टी एलिमेंट्स ठीक है ये जो इतना आपको समझ में आ जाए मॉल कंसेप्ट तो इसमें आगे कुछ हो सकता है ये डिटेल में भी हम ट्वेल्थ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं ओके Thank you, friends. Thank you very much.